कंपाउंड्स तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं, दे शुड बी सेटिस्फाई। आइए बात करते हैं यहां पे कि जो भी आपको स्ट्रक्चर मिला है इट मे हैव ओपन चेन और रिंग स्ट्रक्चर। भाई उसके अंदर रिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दूसरी कंडीशन है कि उसके अंदर जो आपको स्ट्रक्चर मिला है वो प्लेनर भी हो सकता है और नॉन प्लेनर भी हो सकता है। थर्ड कंडीशन है कि उसमें कॉन्जुगेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जो चौथी कंडीशन है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो देखिए ये इसके अंदर 2, 6, 8 और यहाँ पे 4, 8, 12, 3, 5, 7 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये वेरिएबल यहाँ पे वैल्यू है। तो वैसे भी ये जानिए कि कंपाउंड्स की मेन दो क्लास हुई, एक हुई आपकी एरोमेटिक और दूसरी हुई आपकी एंटी एरोमेटिक। और वो कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक है और ना ही आपका एंटी एरोमेटिक है, देन दैट कंपाउंड विल गो फॉर द क्लास नॉन एरोमेटिक। जब कंपाउंड ना तो एरोमेटिक होगा और ना ही आपका वो एंटी एरोमेटिक होगा, देन इट विल गो फॉर द क्लास नॉन एरोमेटिक। आइए क्लियर करते हैं आपको इनको, चारों एग्जाम्पल को देखते हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर हमको मिला है वो फ्री रेडिकल है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस कंपाउंड के अंदर रिंग है, तो हाँ रिंग है। उसके बाद इसके अंदर क्या ये प्लेनर है, तो हमारा आंसर है कि हाँ ये प्लेनर है, तो उसके अंदर रिंग है, मेंशन जरूर करेंगे रिंग है, रिंग है। उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेनर है, हाँ ये प्लेनर भी है। उसके बाद बात करेंगे कॉन्जुगेशन है, तो हाँ भाई कॉन्जुगेशन भी है, आप कंडीशन देख चुके हैं, देखिए डबल सिंगल डबल, तो यहाँ तक ये अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन है। उसके बाद देखिए ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, हर एक तरफ से ये कॉन्जुगेटेड है। सो होल द स्ट्रक्चर और कंपाउंड इज कॉन्जुगेटेड। और उसके बाद बात करते हैं कि सर हाउ मेनी पाई, तो आप देखिए अब तक आपने देखा था कि एक डबल बॉन्ड जो होता है इट इज इक्विवेलेंट ऑफ 2 पाई, तो 2 पाई 2 पाई और ये है ओड इलेक्ट्रॉन, इट विल बी कंसिडर्ड एज 1 पाई, तो कुल हो गए जी हमारे 5 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 5 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखिए चारों कंडीशन पूरी कर रहा है, ये 5 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कहाँ जाएगा सर, ये जाएगा हमारा नॉन एरोमेटिक क्लास में। अब बात करते हैं फिर से, देखिए साइक्लिक है, रिंग है, हाँ रिंग है। उसके बाद बात करते हैं कैसा है, तो प्लेनर भी है। उसके बाद बात करते हैं कि सर कैसा है, कॉन्जुगेशन है, तो आंसर है कि हाँ कॉन्जुगेशन है। उसके बाद हाउ मेनी पाई, देखिए 2 पाई 4 पाई 6 पाई और ये हो गया 7 पाई इलेक्ट्रॉन, तो आंसर है कि कैसा होगा, तो ये 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बी नॉन एरोमेटिक। इसकी बात करते हैं सर कैसा है, रिंग है, हाँ बच्चों रिंग है। उसके बाद कैसा है, प्लेनर है, तो ये प्लेनर नहीं है, बिकॉज ऑल द कार्बन्स ऑफ द रिंग आर नॉट sp2 हाइब्रिडाइज। आप देख सकते हैं कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन होते हैं केवल वही sp2 होते हैं, यहाँ पे ये कार्बन सिंगली बॉन्डेड है, सो दीज 2 कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज। और बच्चों जब sp3 हाइब्रिडाइज होगा दीज 2 कार्बन्स विल बी अवे फ्रॉम द प्लेन, ये प्लेन से बाहर निकल जाएंगे एंड द गिवन स्ट्रक्चर और रिंग विल बी नो मोर कॉन्जुगेटेड, तो उसमें कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, प्लेनर नहीं सर, प्लेनर नहीं है, आप बोलेंगे नॉन प्लेनर। फिर आप बोलेंगे सर कैसा है, नॉन कॉन्जुगेटेड। फिर आप बोलेंगे सर कितने पाई हैं, तो पाई होंगे बच्चों केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए रिंग है, नॉन प्लेनर है, नॉन कॉन्जुगेटेड भी है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो चारों कंडीशन पूरी कर रहा है सर। देखिए रिंग भी है, नॉन प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन नहीं है, और हाउ मेनी पाई, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रहा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक। अब इसकी बात करते हैं, तो फिर से यहाँ पे देखिए साफ दिखाई दे रहा है आपको, दीज 2 कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये प्लेन से बाहर होगा, सिस्टम कैसा हुआ सर, रिंग तो है लेकिन रिंग होने के बाद सिस्टम कैसा है, नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। और देखिए क्या है इसके अंदर, सिस्टम के अंदर रिंग है, नॉन प्लेनर है, एंड हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 2, 4, 6 सर, 6 पाई है, नॉन कॉन्जुगेटेड है सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर सिस्टम कैसा है, नॉन प्लेनर है, और जब नॉन प्लेनर होता है तो सिस्टम बन जाता है नॉन कॉन्जुगेटेड, ध्यान रखिएगा। और हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे आंसर है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये कैसा होगा बच्चों, ये होगा हमारा नॉन एरोमेटिक। एक स्ट्रक्चर और बनता है देखिएगा, ये देखिए
कैसा है सर? ओपन चेन, ओपन चेन। सर कैसा है? कॉन्जुगेटेड है। हाँ ये कॉन्जुगेटेड है। सर कैसा है? प्लेनर भी है, आप देख पा रहे हैं। ऑल द कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, सारे के सारे कार्बन जो है चेन के अंदर वो है आपके sp2 हाइब्रिडाइज। सो दिस स्ट्रक्चर विल बी प्लेनर इन नेचर, कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल सिंगल, अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज देयर। उसके बाद बात करते हैं हाउ मेनी पाई, तो आंसर मिलेगा बच्चों 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो चारों कंडीशन देखिए पूरी होती है, लेकिन फिर भी कैसा है 6 पाई होते हुए भी, ये है आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक। तो एक बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी कि एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने के लिए रिंग का होना जरूरी है तब जाके, लेकिन यहाँ पर नॉन एरोमेटिक के लिए रिंग का होना जरूरी नहीं है, रिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फिर से बोलता हूँ पॉज करिएगा, इन कंडीशंस को ऐसे मेंशन करना सीखिए, आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा।